सभी को इस बात का एहसास हो गया है कि ईशान के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसने गलत फहमियां पाल रखी है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि वो लगातार ईशान को गलत समझ रही है, और इसीलिए अब जब ईशान की इतनी बड़ी सच्चाई उसके सामने आई कि सभी के जन्मदिन के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईशान ने इतनी मेहनत की है, तो सभी शर्मिंदा हो गई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो क्यों जो है ईशान के बारे में इतना गलत सोचती है। सभी को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही ईशान थोड़ा सा बूढ़ी जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। वो जानती है कि ईशान भी ईशा मैम का ही बेटा है, और ऐसे में उसकी क्वालिटीज जो हैं, वो जरूर देखने को मिलेगी ही। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब सभी के सामने ये सच आया है कि सारी तैयारी जन्मदिन की ईशान ने की थी, ये बात जानकर वो बेहद हैरान हुई है। वो इस बात को सोचकर काफी शॉक्ड है कि ईशान ने चुपचाप इतना सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन उसको भनक तक नहीं होने दी। यहाँ तक कि जब इस पूरी पार्टी का, इस पूरी सरप्राइज का क्रेडिट बाजीराव के पास जा रहा था, तब भी ईशान चुप रहा, और ईशान की यही बात जो है अब सभी को बेहद इम्प्रेस कर रही है। सभी को ऐसा लग रहा है कि मानो ईशान वाकई में बहुत ही खूबसूरत इंसान है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों की वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है। पर शुक्ला जी की बातें सुनकर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि राव परिवार के अगेंस्ट जाकर भी उसने सभी के लिए इतना कुछ किया है, तो सभी ईशान से माफी मांगने से पीछे नहीं रही। वो ईशान के पास जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आती है। वो कहती नजर आती है कि ईशान सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगी। और इस तरह से सभी की ओपिनियन जो है ईशान के लिए बदलती हुई नजर आएगी। एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब ईशान को लेकर जिस तरीके से सभी के मन में प्यार आ रहा है, जिस तरीके से अब सभी अपना प्यार जता रही है, और जिस तरीके से अब ईशान भी खुलकर आ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों की लव स्टोरी जल्द ही शुरू हो जाएगी। आप इस लव स्टोरी का कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।